गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ वीडियो ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट फॉर क्लास सेवेंथ एंड टुडेज टॉपिक इज सेल रेफरेंसिंग। और द सेल रेफरेंसिंग, व्हाई वी आर यूज द सेल रेफरेंसिंग, इन दिस वीडियो वी विल डू द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सेल रेफरेंसिंग। अ सेल रेफरेंसिंग रेफर टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन अ वर्कशीट एंड कैन be used in formula so that Microsoft Office Excel can find the value or data that you want that formula to calculate. To see how this work, enter 10 in all even and type even into multiply 2. After entering reference, press enter key. Enter key. The value in cell A2 is 20. If you change the value in cell A1 from 10 to any value, the value in cell A2 will be also changed. Means, what the cell referencing? I also told in various video in last various video. What the cell referencing means? If suppose EMRI क्या है? Cell referencing. तो इसका सेल रेफरेंस क्या हो जाएगा, ये आपकी यहाँ से इसको देखेंगे तो पहले हम क्या लिखते हैं, शी, और रोम इसका नंबर क्या है, तो सी टू इसका क्या हो गया, सेल रेफरेंसिंग हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल रेफरेंसिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब कैसे वर्क करता है। सपोज दैट आपने इसके A1 में क्या राइट किया है, 10, और यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्या लगाया मैंने, इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे लिखा है A1 मल्टीप्लाई 2। तो व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या रिजल्ट होगा इसका, A1 में वैल्यू कितनी बड़ी हुई है, 10, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेगा, 2 से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा जब आप एंटर की दबाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग और उसका यूज़ करना। ओके, आपको यहाँ डायरेक्टली 10 ही लिखना पड़ेगा, आप यू कैन राइट A1। A1 हमारा क्या है, सेल रेफरेंसिंग तो है इसका 10 का, इसी को बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। स्टूडेंट्स, अब रेफरेंसिंग इज ऑफ 3 टाइप। जो हमारा सेल रेफरेंसिंग होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज रिलेटिव रेफरेंसिंग, सेकंड वन इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ये 3 टाइप के हमारे रेफरेंसिंग होते हैं और इनका जो यूज है वो डिफरेंट है। वी विल डू द डिस्कशन आफ्टर दैट। फर्स्ट वन इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। व्हाट द रिलेटिव रेफरेंसिंग, बाय डिफॉल्ट एक्सेल यूज रिलेटिव रेफरेंसिंग। इन रिलेटिव रेफरेंस यू एक्चुअली रेफर टू सेल दैट इज अबव और बिलो और लेफ्ट और राइट टू द नंबर ऑफ रो और कॉलम्स। ओके, मीन्स सपोज यू राइट A1, B2, A2, C2 एंड लाइक दिस, दीज आर द रिलेटिव रेफरेंस। क्या होता है देखिए, सपोज दैट आपने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई किया, ये हमारी एक्सेल वर्कशीट है जस्ट लाइक एग्जाम्पल, उसमें आपका ये डेटा पहले से ही फिल है या फिर आप फिल कर लेंगे उसको। उसके बाद आपने क्या किया, अब मुझे इन तीनों का सम चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको और किसी सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली उसका कैलकुलेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ एक्सेल यू डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन, यू अप्लाई सिंपली फार्मूला। लाइक आप इसका साइन लगाएंगे और यहाँ पे कर्सर को पुट करेंगे, कर्सर को जब आप पुट करेंगे तो ये अपने आप पूरा एक्यूपाई कर लेता है, फिर उसको कर्सर को विद द हेल्प ऑफ माउस ड्रैग कर देंगे तो अपने आप ये सेलेक्ट होता चला जाएगा और यहाँ पे आप छोड़ देंगे। उसके बाद जब एंटर की दबाएंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप इन सबका सम आ जाएगा। उसके बाद इन सबका अगर सम करना है तो ये आपको सिंपली यहाँ पे, जब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक एरो मिलेगा और उसको जब ड्रैग कर देंगे तो अपने आप इनका सम होके आ जाएगा। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सेल। ऑल
मैनुअल कैलकुलेशन डन बाय फॉर्मूला, यू डोंट रिक्वायर एनी मैनुअल कैलकुलेशन, ऑल द कैलकुलेशन आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू रेफर टू सेल, वही चीज उन्होंने बताई। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी सीरियसली। आफ्टर दैट इफ हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डू द कमेंट ऑन माई वीडियो, देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और फ्रॉम टूडे, आज से मैंने इसकी PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोग, जो आपकी वीडियो है उसके आपको वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसका नाम है, आप जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा PDF लिंक। PDF लिंक में जाके आप उस स्पेस की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली जब भी चाहे आपका मन उसको पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है आपकी सब्जेक्ट वाइज, आपकी जो इसमें एक मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं आपको एक कैटेगरी मिलेगी 7th क्लास कंप्यूटर, वहाँ पे जाके आप जो प्रीवियस वीडियो अगर आपको मिस हो गई है तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट इसके बावजूद भी अभी अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, यू आर टोटली फ्री एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।